There is a hero and a heroine. और बहुत दफा आपको ऐसी भी स्टोरी मिलती है, ट्विस्ट मिलता है, देयर इज अ फेल्ड लव स्टोरी कि जी हीरो हीरोइन मिल नहीं सके एंड द हीरोइन गॉट मैरिड टू सम अदर पर्सन. और होता क्या है कि अब हीरो आशिक सो टू से दीवाना फिरता फिरता उसके दर पे आके, उसके घर के बाहर आके अपनी जान दे देता है, राइट. एंड द आयरनी इज, यू नो, इट्स, आई नो इट्स फनी बट इट्स सीरियस एज वेल. हम में से लोग जब ये सीन देख रहे होते हैं ना, हमारे आंसू निकल रहे होते हैं, राइट, कि यार बेचारा, देखो यार क्या यार, बड़ा बेचारा था ये. एक ऐसी स्टोरी है कि एक आशिक था और उसका जो माशूक था वो बेवफा निकला. तो होता क्या है, दिस पर्सन He is on his deathbed now. अब ये मौत के करीब पहुंच चुका है और पोइट्री इसकी जुबान से निकल रही है, शेर निकल रहे हैं. शेर क्या पढ़ता है, या सलमू या राहत अल अलील व या शिफा अल मुदनफिन नहल. जिसका मतलब ये है कि ऐ बीमार की राहत और शिफा. कहने का मकसद है कि तू मेरी खुशी है और तू ही मेरी शिफा है. नाउ ही इज ऑन हिज डेथ बेड. और फिर कहता है, रिवाक अशहा फुआदी मिन रहमतिल खालिक अल जलील, कि मेरे दिल में तेरी रजा ज्यादा मरगूब है अल्लाह ताला की रहमत से, कि योर हैप्पीनेस इज मोर डियरर टू मी देन द मर्सी ऑफ अल्लाह. मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी सीरियस ब्रदर्स, वल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, जोक्स अपार्ट, हम अपने दिलों को टटोलें कि हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है. अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं कि अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत रखते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये अभी ऐसी बातें कर रहा है. देखिए, सारी जिंदगी जो उसके दिल में था बाहर आ गया. अब लोग उसके जो इर्द गिर्द खड़े हैं कहते हैं, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, तू क्या बातें कर रहा है, तू अभी मरने वाला है, ना तेरा वो आशिक तेरे काम आएगा, ना तेरा पैसा तेरे काम आएगा, तू इस दुनिया से जाने लगा है, होश कर, क्या कर रहा है. फिर वो बंदा कहेगा, जो मेरे दिल में था, आई डोंट नो, वही मेरे सामने आ गया, वही मैंने बोल दिया, और यही सच है. ये कहता है और लोग इतने बेजार हो जाते हैं, उसे मुंह मोड़ते हैं, वापस जाने लगते हैं और देखते क्या है कि वो इसी हालत में इस दुनिया से चला जाता है. नाउ यू टेल मी, रोना उस फिल्म की एंडिंग में चाहिए था कि इस बात पर रोना चाहिए था जो अभी जो इसकी एंडिंग हुई है. और मैं आपको बताऊं, लिटरली ब्रदर्स, इट्स वेरी वेरी सीरियस, यू नो, इट्स हाई टाइम कि हम अपने गरीबानों में झांके. जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है ना, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, बड़ी कमाल की आयत है, ये भी अपने पल्ले बांध लें. अरबिक में जैसे इस सगीर लफ्ज है ना, सगीर, सगीर का मतलब छोटा होता है, उसकी हायर डिग्री होती है असगर, यानी उससे भी ज्यादा छोटा. इस तरह जब हम कहते हैं ना कबीर, कबीर का मतलब बड़ा, अकबर ये हाई डिग्री है, इसका मतलब है ज्यादा बड़ा, राइट. शदीद का मतलब है शदीद, ये आप जानते हैं शदीद, इसकी हाई डिग्री है अशद. तो यहां अल्लाह ताला ने वो हाई डिग्री इस्तेमाल किया, वल्लदीन आमनु अशद हुब्बलिल्लाह. और व्हाट अ ब्यूटीफुल वे कि मोमिनीन, ईमान वाले, अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद तरीन है. और आगे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है कि यानी शदीद तरीन मोहब्बत किससे ज्यादा है, आया माल से ज्यादा है, बीवी से ज्यादा है, माशूक से ज्यादा है, अपने फेम से ज्यादा है, अपने कारोबार से ज्यादा है, किससे, अल्लाह ताला ने वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है. मतलब ये है कि सब कुछ से ज्यादा है वो, अल्लाह ताला से हर चीज से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, ये मतलब है इसका. सो एस्क योर सेल्फ, आई शुड आस्क माई सेल्फ, मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है. और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इट्स अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट. देर आर पीपल अमंग अस, देर आर यंगस्टर्स अमंग अस, अगर उनका यानी I don't know, it's funny or I should be embarrassed to talk about it.
जब उनका कभी कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई इस किस्म की चीज हो जाए, वो इस मोमेंट तक आ जाते हैं कि यार आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ एनीमोर, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर कि क्या चल रहा है अभी? अल्लाह ना करे अगर उस हालत में उसको मौत आ जाती है, कहां पे वो अपने आप को देखता है, कहां पे देखता है अपने आप को? और मुझे ये बताएं कि मरने वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा? खुदा के लिए मुझे बताएं आप, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में। सलफ सालिहीन, उनका एक वाकया है कि सुफयान अथौरी रहमहुल्लाह, ही क्राइड ऑल नाइट, सारी रात रोते रहे, और अगले दिन एक शख्स आता है और पूछता है कि या इमाम, कि आप अपने गुनाहों की इतनी ज्यादा बख्शिश तलब करते हैं, कि आप इतना ज्यादा रोते हैं अपने गुनाहों की वजह से? सुफयान अथौरी रहमहुल्लाह, उनके पास ना एक तिनका होता है, एक स्ट्रॉ होता है, तिनका उठाते हैं, कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने, मेरी जिंदगी में गुनाह की इतनी भी हैसियत नहीं है, यानी सुभान अल्लाह कि उनकी जिंदगी इतनी जबरदस्त थी इन लोगों की कि गुनाह का नामो निशान नहीं होता था। कहते हैं कि मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि मुझे डर है कि मेरा कहीं खात्मा बुरा ना हो जाए, कहीं मेरी सारी मेहनत जाया ना हो जाए, ऐसा ना हो कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है अपने दीन के अंदर वो सारी मेरी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाए। सो वी हैव टू सी कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आया सिर्फ इस दुनिया के लिए कर रहे हैं कि हमने अपने अपने ईमान को भी फीड किया है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और इन्वेस्ट कैसे होगा? अल्लाह ताला की इबादत करके, दीन को फॉलो करके। अल्लाह ताला ने जिन कामों का कहा है, हुक्म दिया है, उनको फॉलो करके, उनकी इत्तिबा करके। और तुम्हें और मुझे जिमनास्टिक्स करने की जरूरत नहीं है कि ये इस मामले में हम क्या करेंगे, सब कुछ खोल खोल कर बता दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो दीन तुम्हारी तरफ छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें उस रास्ते के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं कि जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर किस चीज की टेंशन है, किस चीज की कंफ्यूजन है, तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? तो मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरा खात्मा बुरा ना हो जाए। एंड देयर इज अ ट्रू स्टोरी, वो मैं आपसे इंशाल्लाह दो तीन वाकया शेयर करता हूं। कि वन ऑफ माय टीचर्स, ही वाज टेलिंग कि उनके शेख थे, ही वाज ट्रैवलिंग ऑन एन एयरप्लेन, और होता क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन जो उनका साथ में पैसेंजर होता है उसको शॉक्स आते हैं, और अब महसूस ऐसे होता है कि बस अब ये जाने वाला है इस दुनिया से। अब शेख उसके पास जाते हैं और उसको सजेस्ट कर रहे हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। वो बंदा इन रिटर्न जवाब देता है, मेरे पैसे फलां बैंक में पड़े हुए हैं, मेरे पैसे इधर पड़े हुए हैं। और शेख उसको कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, अगले कुछ सेकंड्स में पैसे मायने नहीं रखेंगे तुम्हारी जिंदगी में, यू विल नॉट बी देयर एनी मोर, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे काम नहीं आएगा। सोचो तो सही, आस्क योरसेल्फ, इवन इफ यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, मुझे बताएं क्या लेके जाएंगे अपने साथ? आज तक कौन शख्स है जो लेके गए? एंड सुबहान अल्लाह, लुक एट द माइंडसेट ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस, करते क्या थे जी, मुर्दे के साथ गोल्ड डाल रहे हैं अंदर, और आज वही आर्कियोलॉजिस्ट बाहर निकाल रहे हैं, कुछ नहीं लेके जाते। ये अभी उनको शेख बता रहे हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता है कि मेरे बच्चों से कहना मैं अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरे बच्चे किधर हैं? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। कहते हैं कि आई हैव अ पेट कैट इन माय हाउस, उसका ख्याल रखना। कहता है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। कहता है शेख आई डोंट नो व्हाई कि मेरी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल रहा, मैं नहीं कह पा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह।
और ये मोमेंट होता है और वो इस दुनिया से चला जाता है।